तो जब आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना और आपने यूट्यूब भी करना होता है, आपने अपने शौक भी पूरे करने होते हैं, अपने ड्रीम्स कम ट्रू भी करने होते हैं, तो आपको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी। मैं ये रो रही है, इसको उठा के सुला रही हूँ, फिर मैं सुनने मिलटा रही हूँ, फिर ला रही हूँ, वो रो रही है, वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, तो इतनी मुश्किल से वीडियो शूट होती है, फिर भी आप लाइक नहीं करते, बड़े कंजूस हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हियर आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, स्पेशली आप सबके लिए, हाँ जी, मेरी प्यारी सी किचन क्वींस के लिए जो कि मुझे इस वक्त बैठी हुई देख रही है। मुझे पता है कि सबको जो है वो अपनी किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। जो भी किचन में काम करने वाली लेडीज होती है ना, उनको तो हमारे किचन की हर एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, जैसे कि मुझे होता है। तो उसके लिए जो है वो मैंने अपनी शॉपिंग की है, दराज 11/11 की सेल लगी थी, उससे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, बहुत सारी शॉपिंग पर बहुत कम प्राइस में, 15,000 में मैंने इतनी सारी चीज़ें ली हैं। मैंने कहा अगर मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ तो क्यों ना आपको भी मैं बताऊँ। मैंने बाय और फर्स्ट टाइम जो है वो दराज से शॉपिंग की थी। दराज जो है वो मुझे ऐसा लगता था कि दराज एक ऐसी ऐप है जहां से जो है वो आप शॉपिंग करो तो हमेशा फेक चीज आती है, कभी भी आपको अच्छी चीज दराज से मिल ही नहीं सकती। तो मैंने जो है वो डर के मारे कभी, मैंने बहुत ऑनलाइन शॉपिंग की है पर मैंने दराज से शॉपिंग कभी नहीं की थी। तो इस दफा जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम दराज से शॉपिंग की है, फर्स्ट टाइम अपने फोन में दराज की ऐप डाउनलोड की। तो मुझे जो है वो जो चीजें रिसीव हुई हैं वो मैंने यहाँ पे पास अपने टेबल पर रख ली है, साथ साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। और प्राइस मैंने आपको बता दी सबकी, मुझे अलग अलग बिल्कुल भी याद नहीं है, 15,000 टोटल बिल था इन चीजों का, थोड़ी थोड़ी करके ही आती हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ से मंगवाई थी, मुझे आइडिया नहीं था कि एक एक करके पार्सल आता है, पर पेमेंट जो है वो आपको इकट्ठी करनी होती है। तो जल्दी से ज़्यादा वेट नहीं करवाती, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मेरा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे रख ली अपने सारे पार्सल्स, ये सारे दराज के हैं। ये इसमें जो हैं वो 2 पार्सल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 जो हैं वो ये पार्सल्स हैं। अब इनको मैं ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये जो है ये मैं आपको इसी तरह से दिखाऊँगी खोल के, बाकी सारी चीज़ें मैं खुद आपको बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ इनमें क्या क्या है। अच्छा जी, तो जो सबसे पहली मेरी चीज़ है वो है ये, इसको बोलते हैं स्मार्ट पोर्टेबल स्टैंड। ये जो है वो दिखता कुछ इस तरह से है, ये चाहें तो आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, आप चाहें तो अपने रूम में रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं। मैंने जो है ये बेसिकली अपने किचन के लिए ऑर्डर किया है, मैंने ये पहले खोल के नहीं देखा था, आपके सामने खोल के देखूंगी और आपको भी दिखाती हूँ कि ये जो है ये अंदर से कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा जी, तो ये जो है ये अंदर से इसके ये जो है वो माल निकला है, तो ये जो है ये अभी स्टैंड जो है वो असेंबल होने वाला है, अभी असेंबल करके तो मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसे। वैसे देखने में तो जो है वो काफ़ी हैवी लग रहा है पकड़ने में, सॉरी, और देखने में क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बाकी मैं आपको जो है वो इसको फिक्स करके तो फिर दिखाती हूँ कि ये कैसा। अच्छा जी, तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने असेंबल कर लिया है, मैंने कहा आपको असेंबल करके भी दिखा दूँ, दिखता कुछ इस तरह से, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है, मैं अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ, मेरी तो मौजें लग गई हैं। अच्छा जी, जो सेकंड चीज़ है वो है मेरा ये स्पाइसर, मसाला स्पाइसर। इसमें जो है वो इस तरह से ये खुलता है, इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं, ये देखें, ये इसमें चारों में स्पून है और कंपार्टमेंट्स की जो जगह है ना वो काफ़ी स्पेशियस है, मतलब इसमें अच्छे खासे स्पाइस जो हैं वो आ सकते हैं। ये यूं करके खुलता है और खुलने में भी ठीक है, पर मुझे ये ज़्यादा थोड़ा छोटा लग रहा है, पर जो है वो प्राइस के लिहाज से इसकी प्राइस काफ़ी रिजनेबल है, मेरे ख्याल में ये 450 या 500 का था, तो उस लिहाज से ड्रॉर में रखने के लिए ठीक है। ये जो है ये ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये वो मसाला बॉक्स है जिसकी मैं बात कर रही थी, इसके 4 कंपार्टमेंट्स है, इसमें जो है वो अच्छी क्वांटिटी में स्पाइसेस आ जाते हैं, इस तरह से ये बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। ये थर्ड पार्सल है, इसको मैं खोलती हूँ, इसमें देखती हूँ कि क्या है। ये तो मैंने मंगवाया है अपने वॉशरूम के लिए, ये जो है ये दिखता कुछ इस तरह से है, इसमें जो है वो स्पेस काफ़ी है, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। वॉशरूम में आपकी स्किन केयर की चीज़ें रखने के लिए, आपके फेस वॉश, शैम्पू वगैरह, इस तरह की चीज़ें रखने के लिए मैंने स्पेशली मंगवाया स्किन केयर के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि रूम में जब स्किन केयर होती है ना तो वो नहीं हो पाती है, अगर वॉशरूम में आपके सामने स्किन केयर की सारी चीज़ें पड़ी हुई हो ना तो आप सिर्फ फेस वॉश करने जाओ या वॉशरूम में ही जाओ तो आप जो है वो एक आधा क्लिनजर या स्क्रब पकड़ के मुँह पर मल लो तो बेहतर हो जाती है स्किन। तो ये जो है ये दिखता कुछ इस तरह से है, और इसके साथ ये जो है ये नीचे ये हुक्स हैं, ये आपको इस तरह से नजर आएंगी, इसके साथ आप कोई टॉवल या कोई ऐसी चीज भी जो है वो इसके साथ हैंग कर सकते हो, तो इसमें स्पेस काफी ज्यादा है। इसमें 2-3 चीजें, शैम्पू को मतलब कोई बहुत बड़ी वाली बॉटल भी इसमें आराम से आ सकती है। ये एक ऑर्गेनाइजर जो चीज है ना, ये जो मेरा कहने के मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी पर मुझे मिल रहा नहीं था,
मसाला स्पाइसर। इसमें जो है ये प्लास्टिक का है, ये इसके ऊपर जो है वो ग्लास है और इसके अंदर जो है वो स्पून्स हैं और छोटे छोटे इसे बाउल्स हैं, इसके अंदर आप स्पाइसेस डाल सकते हो। और ये इतना ही कोई अच्छा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो है ये मैंने देखा था, एक ब्लॉगर हैं वो रहती हैं यूके में, तो उनके पास था ये, वो कुकिंग करते हुए उन्होंने दिखाया था, तो मैं तब से इसे ढूंढ रही थी। उन्होंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो अब जो है ये दराज पर भी आ गया लकीली। तो ये जो है ये इसके अंदर इसके सारे ये कटोरी है छोटी छोटी सी, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की है, और इनमें जो है ये प्लास्टिक के स्पून है, बड़े क्यूट क्यूट से पाकिस्तान से इस तरह के मिलते हैं, पर वो गंदे से प्लास्टिक वाले मेरे पास भी अभी तक वही था, क्योंकि ये ना कन्वीनियंट बड़े होते हैं। इसमें ये 7 जो है वो कंपार्टमेंट्स हैं, आप इसमें सारे स्पाइसेस आपके जो है वो आ सकते हैं, नमक मिर्च मसाले, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब चीजें तो इसमें आराम से आ जाती है। एक दफा मैं पकड़ा और खोल खोल के तो डालते गए। ये जो है ये इसका लिड है और इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है, और ये बहुत क्यूट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसकी वजह से मैंने इतनी सारी शॉपिंग एमी में कर ली दराज से। मैंने मुझे चाहिए जो है वो सिर्फ बेसिकली यही था। अच्छा, तो अगर आपको ये मसाला ऑर्गेनाइज़र जो है वो ऑर्डर करना हो तो आप हमेशा ग्लास लिड वाला ऑर्डर कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा लो क्वालिटीज़ में भी हैं, तो आपने वो नहीं लेना क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसकी प्राइस 4000 है। अच्छा जी, तो ये भी जो है ये एक अमेजोन परचेज है। ये भी जो आपको ऑर्गेनाइजर्स है ना मेन बेसिकली, वो आपको दराज से तो पहले नहीं मिलते थे, क्योंकि दराज जो है वो एक पाकिस्तानी ऐप है, ये अमेजोन पे हुआ करते थे। और मैं जो है वो देखती थी जो हमारे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी ड्रॉर्स में मेकअप ऑर्गेनाइज हुआ होता था इन चीज़ों में, तो मैं बड़ी इंस्पायर होती थी। मैं कहती थी ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से मिलती हैं, और मैंने बहुत ढूंढी पाकिस्तान में, मुझे नहीं मिली ये चीज़ें। तो पाकिस्तान में जो चूँकि अमेजोन जो है वो अब आके डिलीवर करने लगा है, पर उसे ऑर्डर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो मैंने कभी अमेज़न से ऑर्डर नहीं किया। तो ये है जी प्लास्टिक के ऑर्गेनाइजर्स। उफ यार, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो है वो मैंने स्पेशल मेकअप ऑर्गेनाइज करने के लिए मंगवाया। इनमें बड़े साइजेस थे, छोटे साइजेस पे थे। ये देखिए, इसमें आप जो है वो अपने ब्रशेज रख सकते हो, इसमें अपने सारे ब्लशन हाइलाइटर्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। ये जो है ये 2 पीसेस हैं, और 2 पीसेस जो है ये पता नहीं 1500 के थे, मुझे एग्जैक्ट जो है वो प्राइजेस याद नहीं है। स्लिप्स भी इनके साथ जो है वो प्राइजेस की नहीं लगी हुई, तो ये बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है। ये जो है वो मैं और मंगवाने वाली हूँ। इनमें बड़े साइजेस, छोटे साइजेस, सब कुछ जब मेकअप ऑर्गेनाइज करके इनमें रखूँगी ना, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ये जो है ये मेरा बहुत बड़ा पार्सल है और सबसे बड़ा है, तो इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए होगी। मैं तो थक गई हूँ, मैं थोड़ा कैमरा पीछे करके आपको। अच्छा जी, तो ये जो है ये भी किचन की चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए ही है, और ये है स्टैंड, हैंगिंग स्टैंड है इसके, इसको आप वॉल के साथ हैंग भी कर सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल से खुला था, और दुकान लेके भी बड़ी मुश्किल से आए थे, मुझे लगता है इसका बॉक्स फाड़ना पड़ा। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद बॉक्स फाड़ना ही पड़ा, ये फिर भी खुला है। और ये है जी स्टैंड, ये दिखता कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से रखा जाएगा, मैं दूर जाके खाती हूँ इस तरह से। और ये इसकी पिक्चर शायद यहाँ पे लगी हुई हो, नहीं इसकी पिक्चर नहीं है, ये इस तरह से स्टैंड, ये काफ़ी जो है ये बड़े साइज़ का है, देखिए मेरे साथ इस तरह से खड़ा है और काफ़ी बड़ा साइज़ लग रहा है, तो काफ़ी। अच्छा जी, तो ये है, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, ब्लैक कलर का है, क्योंकि मेरे सारे रूम की जो है वो रूम की थीम कह रही हूँ, किचन की थीम जो है वो सारी ब्लैक है, इसलिए मैंने ब्लैक चीज़ें ऑर्डर की हैं। ये मैट है, अभी तक तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, और उसकी स्पेस देखें इसमें जो है वो आराम से, मुझे लग रहा था मेरा ऑयल जग्स वगैरह इस पर नहीं आएंगे, पर बहुत आराम से आ जाएंगे। ये जो है ये कुछ इस तरह से दिखता है, और मैंने ये जो है ये 2 ऑर्डर किए हैं, और मुझे ये बहुत पसंद है। ये देखिए, इसके नीचे ये छोटे छोटे से इसके हुक्स हैं, और ये पीछे जो है वो इसको हैंग करने के लिए भी ऑप्शन है, और वैसे आप स्टैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी टाइल्स ख़राब बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि कब जो है वो चीज़ से दिल भर जाए उसको रिमूव करना पड़ जाए, इसलिए जो है वो मैं अपनी टाइल्स ख़राब नहीं करूँगी, इनको मैं सिर्फ यूँ करके रखूँगी। और जब किचन जो है वो प्रॉपर से ऑर्गेनाइज कर लूँगी और सेट कर लूँगी ना, आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि किचन टूर जो है वो आप लोग बहुत देर से मेरे से मांग रहे हैं, पर मैं नहीं दे पा रही हूँ कुछ मसरूफियत की वजह से, या वैसे किचन अभी प्रॉपर ऑर्गेनाइज शायद मैंने नहीं किया हुआ था। अब जब चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो फिर आपके साथ किचन टूर ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो ना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, मैं देख रही हूँ, और सब्सक्राइब नहीं करते, आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैंने आप लोगों से नाराज़ हो जाना है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिससे नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और जो है वो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।